दोस्तों नमस्कार। बीजा ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मेरे साथ कनाडा का वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसमें पूरी की पूरी कार्रवाई शुरू से लेके अंत तक आपको क्या करना पड़ेगा और आप कैसे अप्लाई करेंगे सारी बातें एक एक करके समझाऊंगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इत्मीनान से मेरी बात सुनते रहें और वीडियो देखते रहें, तब आपको कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना वर्क परमिट घर बैठे खुद ही अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीजा ट्रैवल एम नाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह कृपया कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम आने वाले समय में इसी के रिगार्डिंग और बहुत सारी वीडियो जो कि आप बिना एजेंट के अपना काम कर पाए डालने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी। तो आप हमारी भी हेल्प करें और अपनी खुद की भी हेल्प करें। तो कृपया कृपया यहाँ पे रेड बटन जो सब्सक्राइब का आ रहा है तो आप उसे दबा दें, आपका बहुत धन्यवाद होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कनेडा वर्क परमिट। कनेडा वर्क परमिट के में दोस्तों हम इन टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज द वर्क परमिट, वर्क परमिट क्या होता है, टाइप ऑफ वर्क परमिट्स, वर्क परमिट के कितने प्रकार के वर्क परमिट होते हैं, हु कैन अप्ली, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, हाउ टू अप्ली, इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, फीस, इसकी कितनी फीस है, प्रोसेसिंग टाइम, अगर हम वीजा ये वर्क परमिट लेने के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम बिल्कुल ऑनलाइन डेमो भी करेंगे और सभी में धीरे धीरे करके बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द वर्क परमिट। वर्क परमिट दोस्तों मैं आपको सीधी सीधी और देसी भाषा में समझा देता हूँ। कहीं पे भी आपको काम करने की परमिशन लेनी होगी तो उसको हम वर्क परमिट कहेंगे। सीधी भाषा में आप समझ लो वर्क परमिट क्या होता है। हमने किसी और दूसरी जगह पे जाके काम करना है तो हमारे को वहां की गवर्नमेंट से आज्ञा लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी को जो परमिशन मिलेगी हमारे को एक कागज के ऊपर लिख के दे देंगे परमिशन, उसको हम वर्क परमिट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ वर्क परमिट। तो कनेडा की हम बात कर रहे हैं, कनेडा के अंदर दोस्तों ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट दोस्तों क्या होता है, ओपन वर्क परमिट में दोस्तों आप कि मतलब कनाडा के अंदर जाके कहीं भी किसी भी बंदे के पास काम कर पाएंगे। ओपन वर्क परमिट मतलब खुला वर्क परमिट, आप कहीं भी किसी के भी पास काम करो कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट को, ठीक है। और क्लोज वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट दोस्तों यहाँ इंडिया से ही लगता है, वहां भी जाके भी लगता है कनाडा में। इसमें ये होता है कि आप जो एम्प्लॉयर के कागज लगाओगे, जिस जो बंदा आपको ऑफर लेटर देगा, जैसे आप किसी एक बंदे के पास नौकरी कोई जॉब लग गए तो आपको उसी बंदे के पास जॉब करनी पड़ेगी, आप दूसरे बंदे के पास छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आपका 2 साल का वर्क परमिट मिला, क्लोज वर्क परमिट मिला आपको, तो आपको जिस एम्प्लॉयर के साथ काम में आप लग गए, जिस बंदे के पास आप नौकरी लग गए, तो आपको 2 साल उसी के पास बताने होंगे, आप दूसरे बंदे के पास जाके काम नहीं कर पाएंगे। तो ओपन और क्लोज, आपको दो वर्क परमिट के बारे में बताया। अभी हम ये ओपन वर्क परमिट कौन ले सकता है, क्लोज वर्क परमिट कौन ले सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। हु कैन अप्ली ओपन वर्क परमिट, मैंने आपको बताया था कि ओपन वर्क परमिट कौन कौन ले सकता है। अच्छा दोस्तों इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट मेरे को इसलिए लिखने पड़े यहाँ पे क्योंकि मेरी जो स्लाइड सिस्टम इसके बिना नहीं चलता है, जो पूरी बात है वही बतानी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें से हमारे इंडिया वालों के लिए तो सारे काम में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन जो मेरी वीडियो देखने वाले ज्यादातर बंदे होंगे उनके काम का सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन होगा, ये जो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर एज ए स्किल वर्कर इंटरनेशनल स्टूडेंट, 3 नंबर का ऑप्शन दोस्तों। ये ओपन वर्क परमिट उन लोगों के लिए है जिनकी मान लो यहाँ पे किसी लड़की का स्टडी वीजा लग गया कनाडा का, ठीक है दोस्तों, वो स्टडी वीजा उसका लग गया तो उसके साथ
यहाँ पे उससे जाने से पहले आपने उसके साथ शादी कर ली, आपकी मैरिज की फोटो वगैरह क्लिक कर ली, सारा कुछ कर लिया आपने, मैरिज सर्टिफिकेट आपने बना लिया, तो उन बंदों के लिए ओपन वर्क परमिट इंडिया से मिलता है, जिसके लिए आपको कोई भी ज्यादा कार्रवाई करनी नहीं पड़ती है। बिल्कुल आसान काम है ये वर्क परमिट लेना, सबसे आसान सौदा आप इसको बोल सकते हैं, सबसे आसान सौदा। अगर आपको कनाडा जाना है, आप ऐसी लड़की को ढूंढो जिसका कनाडा का स्टडी परमिट लग चुका है, उसके साथ शादी कर लो, और जब वो वहां पे पहुंच जाएगी, उसके जाने के बाद वो आपको वहां पे जाके बुला सकती है, आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओपन वर्क परमिट कौन अप्लाई कर सकता है? डिस्टिट्यूट स्टूडेंट्स, मतलब जिन स्टूडेंट्स का वहां पे खर्चा नहीं चल रहा है, जिनको वहां पे दिक्कत हो रही है, वो वाले स्टूडेंट वहां पे ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन कनेडा, जिन लोगों ने परमानेंट रेजिडेंस कनेडा में अप्लाई की हुई है, वो ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ समवन हु अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंस, उनके फैमिली मेंबर या डिपेंडेंट जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की हुई है, वो भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी तो होंगे ना जो परमानेंट रेजिडेंस जिन लोगों ने अप्लाई कर रखी होगी, जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा, तो उनके भी तो परिवार वाले होंगे ना, उनके लिए भी ये बात वहां यहाँ पे लिखना जरूरी था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। बाकी मेन तो यही तीसरे नंबर का, स्पोस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ स्किल वर्कर और इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनके मतलब जो भी है उनके जो स्पोस है उसका वो अप्लाई कर सकता है। स्पोस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ एन एप्लीकेंट ऑफ द अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ये दोस्तों देखो बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ी मैटर्स है, मैं आपको धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ, आप सुनते जाइए, आपको समझ में आएगी बात पूरा, मैं जब डेमो करके दिखाऊंगा आपको पता चलेगा, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम भी कनाडा में जाने के लिए होता है, ठीक है। यंग वर्कर पार्टिसिपेंट इन स्पेशल प्रोग्राम, यंग वर्कर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल प्रोग्राम्स, जिन लोगों ने स्पेशल प्रोग्रामों के अंदर पार्टिसिपेट किया है, वो भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, वो कैन अप्लाई क्लोज वर्क परमिट, दोस्तों क्लोज वर्क परमिट इंडिया से प्लम्बर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, एग्रीकल्चर वाले, मैसन, मिस्त्री, क्लीनर, मैकेनिक, रिलीजियस टीचर, इनका मैं सभी का आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो ये सभी बंदे कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। ये स्किल्ड वर्कर, आप कहने का मतलब समझो, जो स्किल्ड है, जिनके हाथ में कुछ काम कला कुछ कृति है, वो यहाँ से क्लोज पर वो कैन अप्लाई क्लोज वर्क परमिट, यहाँ से क्लोज वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों, इसमें दो तीन पॉइंट है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। ऑफर लेटर, आपको कनाडा से जो बंदा आपको जॉब वहां पे ऑफर कर रहा है, उससे एक ऑफर लेटर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जो आपको ऑफर लेटर देगा उसका एम्प्लॉयर का नाम आपको पता होना चाहिए। हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क, आप कितने साल का काम करते हो, दोस्तों जो आपको ऑफर लेटर देता है उसके अंदर पूरी कंडीशंस लिखी होती है कि आपको इतने दिन के लिए काम करने की परमिशन है, इतने घंटे काम करने के लिए परमिशन है, इतने घंटे आपको काम करने का इतना पैसा मिलेगा, वो सारी कंडीशन वहां पे लिखी रहती है ऑफर लेटर के अंदर, ठीक है। द लोकेशन वेयर वेयर यू कैन वर्क, आपको जो एम्प्लॉयर ऑफर लेटर देगा उसमें उसकी लोकेशन वगैरह सारी लिखी होती है, तो ये पॉइंट भी मैंडेटरी है कि उसकी लोकेशन वहां पे एंटर होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको ऑफर लेटर दे रहा है उसके उसके पूरी लोकेशन उसको वहां पे लिखनी चाहिए, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट थे, चार पॉइंट। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं हाउ टू अप्ली, दोस्तों देखो धीरे धीरे सुनते रहो, मैं जब डेमो करके आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी आगे चल के, इसकी मेरे को और दो तीन पार्ट में वीडियो बनानी पड़ेगी कि
क्योंकि ये एक छोटा सा काम नहीं है, इसको पूरा आपको समझाने के लिए मुझे भी एक दो वीडियो बना के फिर समझा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी मैं जितना आपको थ्योरी थ्योरी में अभी समझाऊंगा, कुछ डेमो दिखाऊंगा, वो चीजें आप देखो, उसके बाद आगे चल के आपको मैं फिर इसको पूरा प्रॉपर डेमो भी करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ऑनलाइन होगा, कैसे पेपर से होगा, उसमें कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, सारा कुछ पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई, हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट था हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर एप्लीकेशन, ये दो तरीके से हम लगा सकते हैं। ऑनलाइन जो दोस्तों होता है ये बहुत ही फास्ट है और इसमें सबसे बढ़िया मेरे को यही लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि नहीं पेपर वर्क परमिट जल्दी लग जाता है, ज्यादा लगता है, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम वीजा जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो ठीक प्रक्रिया नहीं है, हम इसको हमारे को पेपर करना चाहिए, पेपर वीजा जल्दी है, ज्यादा आता है, मतलब सक्सेस रेशियो ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं तो ऑनलाइन पे ही भरोसा करता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको एक जीसी की बनाना पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो पूरा प्रॉपर डेमो टाइप का बनाऊंगा, उसी के साथ पूरा कंप्लीट करूंगा इसको, ठीक है। जीसी की बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिल ऑल फॉर्म्स, वो कौन कौन से फॉर्म है आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उस जीसी की बनाएंगे, जीसी की के अंदर बहुत सारे फॉर्म खुलेंगे, आपको एक पूरा विंडो खुलेगा, उस विंडो के अंदर आप पूरे फॉर्म को एक एक करके भर के उसके अंदर अपलोड करेंगे, अपनी फोटो अपलोड करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, सारे कुछ वहां पे आप डालेंगे, ठीक है। अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, तीसरा चौथा पॉइंट, अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, पहले आप फिल फॉर्म्स करके उसको अपलोड करेंगे, फिर उसके अंदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, फिर सबमिट एंड फीस पेड, फिर आप सबमिट करेंगे उसको, उसके बाद फीस पेड करेंगे, तो इतनी कार्रवाई में आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वहां पे जिस दिन आप सेंड करोगे उसी दिन वहां पे पहुंच जाता है। तो ये सबसे फास्ट मेरे को लगता है, सबसे फास्ट है, बहुत बढ़िया है। पेपर के लिए बिल्कुल दोस्तों ये ऑनलाइन कट जाएगा यहाँ से, और जीसी की भी कट जाएगा, ये तीन चीज रह जाएंगी, वो ये सारे के सारे आपको फोटोकॉपी करके। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दोस्तों अभी आप देखेंगे इसमें कि आपको अभी वर्क परमिट अप्लाई करना, तो आपको पता चल गया मैंने मोड बता दिए आपको, ऑनलाइन और पेपर मोड, लेकिन इसके अंदर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आप इसको ध्यान से सुने दोस्तों। ऑफर लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, सबसे पहले आप कोई भी क्लोज वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर से ओपन ऑफर लेटर की जरूरत होती है, जैसे कि ओपन वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑफर लेटर की कोई जरूरत नहीं होती है, वो ओपन वर्क परमिट होता है। इसमें अब क्लोज वर्क परमिट के अंदर हमारे को ऑफर लेटर की जरूरत होती है एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर सबसे पहला हथकंडा यही होता है ऑफर लेटर। उसके बाद दोस्तों लमिया, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बात समझानी चाहूंगा, देखो ऑफर लेटर आपको एम्प्लॉयर कहाँ से आप लेंगे, देखो मैंने अभी बोला है कि आप घर बैठे वीजा अप्लाई कर सकते हैं खुद, तो आप जो आपको ऑफर लेटर देगा उसको कैसे ढूंढोगे घर बैठ के, ये चीजें आपको आगे चल के सारी की सारी समझ में आएगी। आपको लमिया का कोई पैसा देना पड़ेगा, आपको ऑफर लेटर का कोई पैसा देना पड़ेगा, आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ लमिया और ऑफर लेटर मिलेगा, आपको देखना है समझना है। देखो हर इंसान पूरा कार्रवाई नहीं सक्सेस होता, लेकिन जो आदमी लड़ता है, जो करता है, वो सक्सेस 101% होता है, और पंजाबी लोगों की ये और सभी लोगों की यही आदत होती है, हमारे इंडियंस की ये आदत होती है कि पूरा लड़के फिर जीतना है, ठीक है। तो आप बने रहें, आप अगर मेरे को फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा आपका, घबराना नहीं है, आपको सुनना है और लगे रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो आपको मैंने बताए हैं, ऑफर लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, लमिया, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। ये लमिया होता क्या है, ये लमिया दोस्तों मान लो आपको वहां पे किसी ने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इस बंदे को यहाँ पे अपने पास जॉब देना चाहता हूँ, तो वो वहां पे उसको लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट का एक ऑफिस बना हुआ है, वहां पे एक मार्केट लेबर मार्केट का ऑफिस बना हुआ है, तो उस ऑफिस के अंदर उस बंदे को 1,000 कनेडियन डॉलर की फीस भरनी पड़ती है,
उसको वहां से LMIA अप्रूव करवाना पड़ता है, लेकिन वहां पे 1000 की फीस भरने से पहले भी उसको कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। आपकी वहां पे उसको लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट लेने के लिए वहां पे फीस भरनी पड़ेगी, और वो फीस भरने से पहले क्या कार्रवाई करेगा, सबसे पहले वो कार्रवाई करेगा, वो पेपर के अंदर, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर तीन चार जगह एक न्यूज चलाएगा कि भाई फलाने बंदे की मेरे को जरूरत है, मैं इसको काम पे रखना चाहता हूँ। मान लो किसी को कुक की जरूरत है, मैं कुक के उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो एक लोकल मैगजीन के अंदर, एक इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर, एक लोकल केबल चैनल पे और एक कोई दूसरे चैनल पे न्यूज में देगा कि भाई मेरे को इस प्रकार के एक कुक की जरूरत है। तो मतलब ये लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट तब वो इम्प्रूव करते हैं जब हम उनको ये शो करने में सफल हो जाते हैं कि हमारे पास जो भी हमने इंटरव्यू किया है अभी तक, जो भी हमने ऐड दिया है, उसको लेके हमारे पास कोई भी कनाडा में योग्य बंदा नहीं मिला है। तब वो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको इम्प्रूव करके देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया होती है क्लोज वर्क परमिट की, इसीलिए लोग इसके ज्यादा ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे देके ही होता है, ये काम फ्री में भी होता है, लड़ना पड़ता है, लड़के जीतना पड़ता है। ठीक है, होता है, सब कुछ होता है, बिना पैसे दिए भी होता है, पैसे देके भी होता है, सब तरीके से होता है। लेकिन देखो भाई, लड़ना तो आपको है, बंदा तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा दुनिया के अंदर, जो अच्छा आदमी होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप अच्छा आदमी ढूंढ लेते हो, ये थोड़ी है कि पांचों उंगली एक बराबर है, हर इंसान की अलग अलग सोच है, हर इंसान अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे, जो बंदा आपको कनाडा में बुलाने वाला है उसको वहां पे एक लमिया वहां से लेनी पड़ती है, यही सबसे मेन फंडा यही है। वो एक ऑफर लेटर है, वो कोई भी एम्प्लॉयर आपको भेज सकता है, चाहे उसने लमिया निकाली हो या नहीं निकाली हो, कोई भी आपको भेज सकता है। एम्प्लॉयर ऑफर लेटर कोई बड़ी चीज नहीं होती, सबसे मेन है लमिया, ये लमिया ही मेन होती है। इसको अगर वो निकालने के लिए उसको पेपरों में ऐड देनी पड़ती है, तो अगर उसका ऐड फैड का खर्चा खुर्चा लगा के भी आप देख लो तो तकरीबन उसका 1 लाख रुपए खर्चा नहीं आएगा। लेकिन फिर उसको ये फायदा भी होता है, वो अगर इंडियन से लोगों को मंगवाता है तो वो लोग बहुत बढ़िया से काम करते हैं, जो कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस वाले होते हैं वो इतना बढ़िया काम नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए वो अपने लोगों को तरजीह देते हैं, इधर को इंडियन लोगों को तरजीह देते हैं। तो आप कर सकते हैं, मैं कैसे होगा सारा कुछ बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, आपको एक भी पॉइंट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आपकी रिप्लाई करूंगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, मैंने आपको पीछे बताया, इसमें काफी सारे फॉर्म भरने होते हैं। इसमें IMM 21295, IMM 5707, IMM 5409, IMM 5476, इसको देख के घबरा नहीं जाना, ये कुछ भी नहीं है, 2-10 मिनट का काम है। ठीक है, इसको भरना भरना कुछ नहीं है, मैं सारा सिखा दूंगा आपको। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 35 mm to 45 mm, ये भी बहुत ध्यान दे के आपको फोटो बनवानी होती है, बहुत अच्छी बैट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट, सॉरी दोस्तों मेरी स्लाइड हिल गई, हाँ वैलिड पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है दोस्तों वीजा अप्लाई करने से पहले वो वैलिड होना चाहिए, उसके अंदर खाली पेज होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेबर मार्केट ओपिनियन, LMO प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट सोशल डिपार्टमेंट कनाडा, ESDC इफ एप्लीकेबल, ये दोस्तों किसी किसी में होता है, इसको भी मैं आपको आगे जाके पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि ये होता क्या है, क्यों, किस किसके लिए जरूरत होता है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू कवर द एक्सपेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ विजिट, ये दोस्तों ओपन वर्क परमिट वालों के लिए भी है और क्लोज वर्क परमिट वालों के लिए भी है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको वहां पे जो कुछ दिन वहां पे जाके कुछ जो एक्सपेंस होते हैं तो वो आपको वहां पे दिखाने पड़ते हैं, ओपन वर्क परमिट के, ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट दोनों में ही देना पड़ेगा आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट दिखानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, नेक्स्ट पे चलता हूँ। डॉक्यूमेंट फॉर वर्क परमिट, इमिग्रेशन स्टेटस प्रूफ, आपको देखो ये बहुत ही बहुत बढ़िया पॉइंट है, इमिग्रेशन स्टेटस, आपका इंडिया के अंदर आप रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, आपका इमिग्रेशन स्टेटस वहां पे क्या है, आप इंडिया में है तो वहां के सिटीजन है, तो सिटीजनशिप का प्रूफ होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट,
अगर कोई ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है तो मैरिज वाला जो मैंने आपको शादी वाला सिस्टम बताया है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर कोई क्लोज वर्क परमिट या ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है बर्थ सर्टिफिकेट उसको देना होगा। प्रूफ डेट यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब, ट्रेड सर्टिफिकेट, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, सबसे प्रूफ ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो इसमें भी पंगा उड़ा लेते हैं वो लोग। तो ये आपको अपने एम्प्लॉयर को भेजना पड़ेगा, ट्रेड सर्टिफिकेट और एजुकेशन रिक्वायरमेंट, ये उसको आपको एम्प्लॉयर को देनी है। तब वो वहां पे लमिया के डॉक्यूमेंट के अंदर लगाएगा कि भाई फलाने बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, इसके पास ये क्वालिफिकेशन है, इसका ये है वो है जो भी है, मतलब वो चीज वकील तैयार करता है। उसको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, काफी कुछ मतलब ढटोरा करना पड़ेगा उसको, काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये पापड़ बेलने के लिए उसको ये चीज आपको भेजनी पड़ेगी। तो ये भी नहीं है, ये मत सोच लेना कि होगा नहीं, मेरे से पहले लाखों लोगों ने अप्लाई किया। अरे मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, जो दिखता है वो नहीं होता, जो होता है वो नहीं दिखता, ये दुनिया गोल है मेरे भाई, समझ लो आप, दुनिया गोल है मेरे भाई, जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है, घबराओ नहीं आप, बने रहो, हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। फीस दोस्तों, इसमें आपको जब जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप ऑनलाइन और पेपर, जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हो वहां पे उसको लगाने के बाद आपको बायोमेट्रिक देने के लिए VAC, वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाना पड़ता है, ठीक है। BFS, जो BFS होता है, ठीक है, BFS के अंदर वो खुले हुए हैं, वहां पे आपको BFS में जाना पड़ेगा। तो वहां पे जाके आपको ये आपके जो $85 और $150, $155, ये मतलब टोटल आपके हो गए 155 प्लस 85, $240 हो गए दोस्तों, into 50, मतलब ये 12,000 इंडियन करेंसी के आपके बन गए हैं। तो इंडियन करेंसी 12,000 रुपए की ये फीस आपकी ऑनलाइन ही ले ली जाएगी जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके बाद एक आपको बायोमेट्रिक का लेटर मिलता है, एम्बेसी से आता है, वो लेटर लेके आपको और अपना पासपोर्ट लेके, चाहे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप पेपर में कर रहे हैं। अगर तो आप पेपर में कर रहे हैं तो आपको जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करके, जो जो मैंने फॉर्म वहां पे बताए हैं IMMM वाले, वो सारे के सारे फॉर्म आपको फिलअप करके एक एप्लीकेशन बना के उसमें कवरिंग लेटर लगा के उसमें सारी अपनी डिटेल डिटेल जो भी है मैं सारा कुछ सिखा दूंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बने रहो बस, ठीक है। आपका इतना ही काम है कि आपको वीडियो देख के बने रहना है, आराम से सुनते रहना है मेरे को, ठीक है। अगर और एक बात बता देता हूँ, इससे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी, अगर आप इस वीडियो को क्या कैसे क्यों चैनल के अंदर देख रहे हैं तो प्लीज आप इसका लिंक, आपको वीजा ट्रेवल एम जो चैनल है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको उस डिस्क्रिप्शन के अंदर वीजा ट्रेवल एम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रॉपर तरीके से मतलब वो आपको कुछ जो गाइडेंस इस वीडियो में रह जाएंगी वो उसमें सिखाने वाले हैं, तो वो चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी, वो वीडियो क्या कैसे क्यों क्यों चैनल के अंदर नहीं आएगी, आपको क्लियरली बता दिया मैंने मेरे भाई। इस जो वीजा ट्रैवल एम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, तो उसको बेल के आइकन को दबा लेना मेरे भाई, फिर आपको जब भी वीडियो में हम डालेंगे यहाँ से तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, इसमें दोस्तों $240 फीस है, 12,000 रुपये बनेंगे, तो 50,000 रुपये आपकी टिकट लगा के चलो तो आपका टोटल 62,000 रुपये के अंदर आपका ये सारा काम कंप्लीट हो सकता है। मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, आपको दिखा सकता हूँ और आपको स्टोरी भी आपके साथ मैटर कर सकता हूँ, ऐसा होता है, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो हर लोग अलग अलग होते हैं, कोई किसी को बता के खुश है, कोई किसी को बता के नहीं खुश है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, आपका भी बिल्कुल 100% आपको एम्प्लॉयर कैसे ढूंढा जाएगा, कोई किसी एजेंट के पास नहीं जाना आपने, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे बैठे बैठे सारा कुछ दिखाऊंगा, और वो भी गवर्नमेंट से, कनेडियन गवर्नमेंट से आप कैसे एम्प्लॉयर लोगे सारा कुछ बताऊंगा, आप बने रहो बस, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम इनसाइड कनेडा 89 डेज, आउटसाइड कनेडा अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो 17 वीक लग जाएंगे आपको, और इनसाइड अगर आप यहाँ से टूरिस्ट वीजा के ऊपर कनेडा में जाके वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो 89 डेज के अंदर आपका वर्क परमिट हो जाएगा। इसमें आपको दोस्तों एक बात बतानी चाहूंगा, जिन लोगों के पास टूरिस्ट वीजा है वो कनाडा में जाके भी अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं, सेम मिलता जुलता प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड कनाडा आउटसाइड कनाडा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो फुल प्रोसेस ऑनलाइन डेमो, हम आपको दिखाएंगे कि आपको एक वर्क परमिट अप्लाई करके हम पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पे भी अभी आपको घबराना नहीं है, अभी भी एक डेमो देने वाला हूँ, छोटा सा डेमो आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बने रहे। अभी ये स्लाइड को पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम वो डेमो की ओर चलेंगे, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएं। अच्छा, कनाडा जॉब पोर्टल, दोस्तों एक कनाडा का जॉब पोर्टल होता है, ये जॉब पोर्टल आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करनी। कनाडा के अंदर एक जॉब पोर्टल होता है, कनाडा गवर्नमेंट का होता है वो, ठीक है। उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर मिलेंगे, जॉब मिलेगी, ऑफर लेटर मिलेगा, लमिया मिलेगी, सारा कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। क्या आप जानते हैं ऑफर लेटर और लमिया आपको बिना एजेंट कैसे प्राप्त हो सकती है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको लमिया और ऑफर लेटर फ्री में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करने का ऑनलाइन डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे को कमेंट करेंगे कि जल्दी वीडियो बना दो, जल्दी वीडियो बना दो, ऑनलाइन डेमो वर्क परमिट आपको कैसे अप्लाई किया जाएगा वो करके हम प्रॉपर दिखा देंगे सारा कुछ, तो आप हमारे को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दे वीजा ट्रेवल एम चैनल के ऊपर, ना कि क्या कैसे क्यों के ऊपर। कृपया आप अगर इसको क्या कैसे क्यों चैनल के ऊपर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप वीजा ट्रेवल एम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। हमारे दोस्तों हमारी कंपनी का एड्रेस है वीजा ट्रेवल एम, शॉप नंबर 47 बडाला रोड खरड़ मोहाली पंजाब इंडिया। कोई हमारे को विदेश से देख रहा है तो हमारे इस एड्रेस पे आप कभी भी कोई भी आपको सर्विस की जरूरत है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी support@visatravelm.com, हमारी वेबसाइट का नाम visatravelm.com, हमारे दो मोबाइल नंबर है 7589362831 वाला नंबर है दोस्तों, जो ये व्हाट्सएप के ऊपर भी नंबर है, ठीक है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खत्म हो गया काम, उसके बाद दोस्तों अभी चलते हैं हम डेमो की ओर। तो दोस्तों ये है कनाडा की वेबसाइट, इस वेबसाइट को बोलते हैं इस वेबसाइट को आप कैसे ढूंढेंगे, इसको आपको ढूंढने के लिए दोस्तों गूगल में लिखना पड़ेगा gc.ca.cic, ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा गूगल के अंदर gc.ca.cic। जब आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे कनाडा सीए वाली जो पहली वेबसाइट है इस पे ही क्लिक, पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस सेम टू सेम, ठीक है दोस्तों। इस पे यहाँ पे दोस्तों आपको मीनू पे ऊपर क्लिक करना है। अभी जो मैंने आपको स्लाइड सारी पढ़ाई है वो मैंने अपने घर से नहीं बनाई है मेरे भाई, वो सारा कुछ मैंने कनाडा की वेबसाइट से ही पढ़ा है फिर आपको बताया है, उसको मैंने थोड़ा आसान करके आपको समझा दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन कुछ डेमो दिखाने वाला हूँ कि कौन सा वर्क परमिट क्या होता है, कैसे होता है, जो भी है मैं सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर आपको इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के अंदर दूसरे नंबर के ऑप्शन के अंदर जाना है, वहां पे वर्क परमिट वर्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, टोटल जानकारी इसी के अंदर लिखी हुई है, आपको कैसे अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको ऑनलाइन एक वर्क परमिट अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाएगा। फाइंड आउट यू नीड ए वर्क परमिट, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि आप कौन कौन सी कैटेगरी का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा वर्क परमिट मिलेगा, आप सबसे पहले तो ये जानना आपको जरूरी है। मान लो आप प्लम्बर हो, आप रिलीजियस टीचर हो, तो मैं एक दो बंदों के ऊपर एक स्पेशली वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जैसे कोई रिलीजियस टीचर है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और फार्म वर्कर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेटली। उसके अंदर सारा कुछ आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या होता है कैसे होता है। तो अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि आप अपने काम के रिलेटेड कैसे यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। एथलेटिक कोच, एथलीट कोच,
कोच दोस्तों, ये बहुत ही मतलब बढ़िया वो है, ये जो कोच होते हैं इंडिया के अंदर, इनको बेचारों को पता ही नहीं है कि इनकी विदेशों में बहुत ज्यादा, कनाडा के अंदर बहुत मांग है। बिजनेस विजिटर, इसको कौन सा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं? बिजनेस विजिटर, विजिटर है जो, ठीक है, सिविल एविएशन वाले हैं, क्रू मेंबर है। और दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कि कनाडा के अंदर कुछ लोग बिना वर्क परमिट के भी काम कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एग्जामिनेशन, एविलेशन, एक्सपर्ट विटनेस, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसको आपने पढ़ लेना है, फैमिली मेंबर एंड फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हेल्थ केयर स्टूडेंट, मिलिट्री पर्सनल, फौजी भी जा सकते हैं मेरे भाई, फौजी मेरे भाई, फौजी भाई भी जा सकते हैं वर्क परमिट के लिए मेरे भाई, ठीक है। इनको कौन सा वर्क परमिट की जरूरत होती है? चलो पहले फौजियों का दिखाता हूँ आपको यार, फौजी अपने भाई होते हैं इसीलिए। तो मिलिट्री पर्सनल मैंने क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं दोस्तों सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यू आर मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस अनदर कंट्री, यू हैव मूवमेंट ऑर्डर। फौजियों को मूवमेंट ऑर्डर लगता है दोस्तों, मूवमेंट ऑर्डर होता है उनके पास। अगर उनके पास मूवमेंट ऑर्डर है कनेडा जाने के लिए, तो वो मूवमेंट ऑर्डर लेके तो यहाँ पे पूरी फोर्सेस का एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो इनको कोई वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। दोस्तों मैंने बताया था ना कि कुछ लोग बिना वर्क परमिट के भी कनाडा में जा सकते हैं, तो सबसे पहले वही कहानी सामने आ गई अपने। तो आप देख सकते हैं फौजी मेरे भाई मूवमेंट ऑर्डर लेके जा सकते हैं कनाडा, मूवमेंट ऑर्डर बना के अपना जा सकते हैं कनाडा, बस यहाँ से परमिशन चाहिए मूवमेंट ऑर्डर बनाने की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिलीजियस टीचर, ये जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, बाबा जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, पादरी होते हैं, मौलवी जी होते हैं, तो ये सारे रिलीजियस टीचर को भी वर्क परमिट मिलता है कनाडा से। तो इनको कौन सा वर्क परमिट मिलता है? डू यू नीड वर्क परमिट एज ए रिलीजियस टीचर इफ योर ड्यूटी इज इंक्लूड, वो मतलब इसमें उसने उसकी ड्यूटीज बताई हुई है कि वो सच बोलना चाहिए, है ना, पर ये सारा कुछ आप पढ़ लेना। लेकिन इनको यहाँ पे डू यू यू डोंट नीड ए वर्क परमिट एज ए रिलीजियस लीडर इफ योर ड्यूटीज इंक्लूड, अगर आप इन ड्यूटीज के ऊपर जाते हैं तो आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो इंडिया से हम अप्लाई करते हैं रिलीजियस टीचर के लिए, तो वर्क परमिट लगता है, वो कौन सा क्या होता है उसके ऊपर भी मैं एक आपको मैंने बताया है कि मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। चलो दोस्तों यहाँ पे इतना बहुत है, आप अपनी कैटेगरी का काम यहाँ पे ढूंढ के और उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा वर्क परमिट लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर होगी कि कौन बंदा कौन सा वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वो यहाँ से देख लेगा इस पे जाके। डू यू नीड ए वर्क परमिट टू कनेडा वर्क इन कनेडा, यहाँ पे जाके वो देख सकता है। मान लो भी रिलीजियस टीचर का हमने देखा है, अप्ली फॉर ए वर्क परमिट रिलीजियस वर्कर, चलो इसको छोड़ो। टाइप ऑफ वर्क परमिट मैंने आपको बता दिया, वहां पे दो प्रकार के होते हैं, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे ये सारी जानकारी मैंने यहीं से देख के दोस्तों, वो आपको सारी की सारी यहाँ से देख के बताई है। तो ओपन वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट कौन अप्लाई कर सकता है, मैंने उसमें आपको सारा वो पूरे पॉइंट्स शट आउट करके दिखा दिए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, तो इसमें भी मैंने आपको सारा समझा दिया है कि कौन कौन सा वर्क परमिट आप यहां से खुद भी देख सकते हैं। तो मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं, ये है वो चीज, ये तो हो गया दोनों वर्क परमिट, ठीक है दोस्तों। शिपशिप वर्क परमिट कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसमें दे रखा है वो कैन अप्ली, कौन अप्लाई कर सकता है। मैंने आपको दोस्तों वो लिस्ट दिखानी है, ये एक हो टू अप्ली, ये आउटसाइड कनाडा, आप कनाडा से कैसे इसको, ये ग्लोबल स्किल्स ट्रेंजली 2 वीक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, तो दोस्तों आपको हाउ टू एप्ली, तो ये आप आ गए हाउ टू एप्ली वाले पेज पे। तो मान लो आपको कैसे, वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम,
यहाँ पे आप वाई यू शुड अप्लाई ऑनलाइन, आप कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे और साइट कनेडा पे क्लिक करके दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आफ्टर यू अप्लाई नीड गिव बायोमेट्रिक, मैंने आपको बताया था अप्लाई करने के बाद बायोमेट्रिक देना आपको होता है, ठीक है। तो प्रिपेयर, ये आपको यहाँ पे सारी इसने जानकारी बता दी, आफ्टर योर एप्ली बायोमेट्रिक देना आपको पड़ेगा, ठीक है। वी प्रोसेस योर वर्क परमिट एप्लीकेशन, इसके अंदर दोस्तों मेडिकल लगता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मेडिकल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। इफ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, तो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे हम, ये वही आ गया स्पोस वाला जो बताया था आपको, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बैक चलते हैं हम, बैक चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। हु कैन एप्ली फाइंड आउट एलिजिबल, हाउ डू प्रोसेसिंग टाइम एक्सटेंड योर वर्क पर आफ्टर यू एप्ली प्रिपेयर योर अरेवल। तो दोस्तों आप यहाँ पे अभी देखेंगे मेरे साथ, अच्छा ये दोस्तों ये उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी नहीं है ना तो आपकी जो एप्लीकेशन वापस कर दी जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये है इसका मतलब, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो मैं आपको मेन चीज यहाँ पे दिखानी चाह रहा हूँ, तो आपको इसके अंदर तीसरे नंबर के ऑप्शन के अंदर जाना है, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, फाइंड आउट यू आर एलिजिबल फॉर टू वीक प्रोसेसिंग, इस पे दोस्तों आप क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो इसमें दोस्तों फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल फॉर टू वीक प्रोसेसिंग थ्रू ग्लोबल स्किल स्ट्रेंजली स्ट्रेंची, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक तो दोस्तों इसके अंदर जो आप पीआर कौन कौन से इसके अंदर स्किल्ड के ना नेशनल ऑक्यूपाई क्लासिफिकेशन बनाई गई है इसके अंदर ना, जो स्किल जो हमारे काम है उसकी क्लासिफिकेशन बताई बनाई गई है, स्किल टाइप 0, स्किल लेवल ए, फिर ठीक है बी सी डी, इस तीन तीन प्रकार का है। तो नेशनल ऑक्यूपाई क्लासिफिकेशन ये आप खोल के देख सकते हैं, इसके अंदर सारे ट्रेड आ जाते हैं, तकरीबन तकरीबन बहुत सारे ट्रेड्स हैं, प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियंस, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। देखो आपको भाई सुनना तो पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा, फ्रूट पैकर क्लीनर, आप लमिया कैसे फ्री में लेंगे ये भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसको आप यहाँ से बैक कर लोगे, इसको आप बैक कर लोगे तो आपको इफ यू नीड ए लमिया रिक्वायर्ड यू नीड एन लमिया यू विल क्वालिफाई टू वर्क प्रोसेसिंग मीट ऑल द दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड कनाडा ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, ठीक है। और दोस्तों स्पाउस डिपेंडेंट इनके लिए है ये, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक, ये आपको यहाँ पे लास्ट में आ जाना है, इसके सबसे लास्ट में, इस पेज में आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, ये एलिजिबिलिटी चेक, यहाँ पे आपको खुद अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके मेरे को बताना है कमेंट में कि आपकी एलिजिबिलिटी बनी कि नहीं बनी। कोई भी बंदा लेवर वाला बंदा भी वह यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करता है, चेक योर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे मांगेगा, वो आपको सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, लास्ट में आपकी एलिजिबिलिटी आपको बता देगा कि आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था ये वाला सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, डू यू नीड वर्क परमिट टू वर्क इन कनेडा, तो इसमें ये जो कैटेगरीज दे रखी है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क विल डू इन कनेडा,
अगर मान लो इसके अंदर आपको कोई भी काम आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो आप माई जॉब इज इट ऑन द लिस्ट, मतलब इसमें इज नॉट ऑन द लिस्ट, इसमें इस लिस्ट में नहीं है, तो आप इसको सबमिट करेंगे एलिजिबल फॉर वर्क परमिट। यू नीड ए वर्क परमिट, फाइंड आउट यू एलिजिबल फॉर वर्क परमिट। आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप मेरी वीडियोस को देख लो, आपको बिल्कुल सीख जाओगे आप, मैं ये चीज की गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी मैं वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इससे ज्यादा और नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो वीजा ट्रैवल एम चैनल के ऊपर आ जाएगी, आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, वीजा ट्रैवल चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वर्क परमिट घर बैठे, सबसे पहले तो आपको एक वीडियो मैं बना के दिखाऊंगा कि आप लमिया फ्री में कैसे हासिल करेंगे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप वर्क परमिट घर बैठे बिना किसी एजेंट के कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।